मॉर्निंग डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड की पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल मैंने कहा था कि अगर तो ये 98 से ऊपर H4 क्लोज करता है तो ये जा सकता है 1900 के आसपास, और वहाँ से जो है वो दोबारा नीचे की तरफ मूव होगा। और यहाँ मैंने कहा था कि 94-93 जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ब्रेक क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये ब्रेक क्लोज हो जाता है तो और मज़ीद नीचे की तरफ जा सकता है, और नीचे जो है वो 88 का एक माइनर लेवल था जिसका मैं माजी में ज़िक्र करता है, एक ये है और नीचे 84, ये दो लेवल थे। अगर तो ये ऊपर क्लोज होगा इसका तो इन में से किसी एरिया को एज ए सपोर्ट लेगा और ये मूव करेगा 1907 की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्लोज लगाया इसने और उसके बाद ये नीचे की तरफ आया। यहाँ पर 94 को ब्रेक किया इसने, 94 ब्रेक करने के बाद जो है वो 88 वाले एरिया को टेस्ट करने के बाद इसने अपना क्लोज जो है वो तकरीबन 98.7 या 6 के आसपास दिया, और वहाँ से अब ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो ये थी हमारी एनालिसिस। और अगर मैंने ये कहा था कि अगर ये प्रॉपर 98 को रिजेक्ट होता है यहाँ से तो फिर ये जो है वो यहाँ तक 88 के पास या 87 के पास आने के बाद ये दोबारा जो है वो 94 या 95 तक जाएगा और वहाँ से दोबारा रिवर्स होगा। लेकिन आप देखें कि ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया और क्लोज भी हो गया, तो ये वाली जो मूव थी ये हुई। और अब हम देख लेते हैं कि आज के हमारे इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। बात कर लेते हैं आज के लेवल्स की। आज के लेवल्स कुछ इस तरह है कि नीचे का जो एरिया है वो तो वही है, और ये जिस तरह लेवल्स लगे हुए हैं ऊपर जो है वो 1906-1907 तक भी तकरीबन एरिया है, और उससे लेकर 1911 तक का जो है वो एक जोन है ये। अब यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन कुछ इस तरह हो रही है कि डे का क्लोज जो आज लगा हुआ है वो कोई मज़ीद इस एरिया में होल्ड करने की पोजीशन का नहीं है कि ये मार्केट यहाँ होल्ड कर जाए। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर तो ये नीचे क्लोज नहीं हुआ होता तो हम इसको मज़ीद इसको ब्रेक भी देख सकते थे कि शायद ये ब्रेक कर जाए इसको, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और अब यहाँ देखना थोड़ा सा मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा मैंने कल भी बताया था कि ये फ़िलहाल एरिया इसने ब्रेक नहीं किया हुआ 84 वाला, तो ये यहाँ से अपना बुलिश सेटअप भी बना सकता है। तो इसलिए थोड़ी सी नज़र रखें, थोड़ी सी नहीं अच्छे से रखिएगा। अगर तो ये 1906-7 तक रिजेक्ट रहता है तो फिर ये दोबारा, अब इसने यहाँ ये ब्रेक किया हुआ है, अगर ये इसको बिल्कुल प्रॉपर टेस्टेड रहता है तो ये ब्रेक कर जाएगा इसको, ठीक है। कुछ इस तरह की मूवमेंट बनेगी, हो सकता है कि ये इसको रिटेस्ट करे या ना करे, सीधा भी आ सकता है और नीचे यहाँ तक भी आ सकता है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि यहाँ से ये आपने देखना है, अगर तो ये स्टे करता है तो अगेन बुलिश होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर इस एरिया में मार्केट आए तो बाइंग के लिए अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर ये 1906 वाला जो एरिया है, 1907-6 वाला, अगर ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहकर, मतलब टेस्ट करके अगर ये नीचे आए तो नीचे वाला एरिया बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि ब्रेक कर दे, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखिएगा 1884 वाला जो एरिया है, फिर अगर ये उसको ऊपर से प्रॉपर टेस्टेड अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि नीचे का एरिया एकदम ऐसा नहीं है कि यहाँ आ जाए और आप बाय कर दें।
पोजीशन देख के बाय करेगा। और दूसरी जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह है कि अगर यहाँ से ये जाके ब्रेक करता है इसको, और ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पर H4 का क्लोज करता है तो फिर जो है वो ये दोबारा टेस्ट तो इस एरिया को करना पड़ेगा इसको, फिर यहाँ से ये मज़ीद जो है वो इस तरह की मूव कर सकता है। लेकिन मुझे चांस थोड़े कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये दो आज जो है वो पोजीशन से नज़र आ रही हैं। ऊपर से अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रिजेक्ट हुआ तो अच्छी सेल भी कर सकता है, और अगर ये 1907 से ऊपर, ये 1906 का एरिया लगा हुआ है लेकिन ये 1907 तक इसको तकरीबन एरिया यही बनता है 1907 यहाँ तक, तो ये जो है अगर ये ब्रेक क्लोज करता है इसको ऊपर की तरफ और H4 का क्लोज करता है इसके ऊपर, तो आप फिर इसको देखेगा 1898 से 93 जो है वो इसका एज ए सपोर्ट रहेगा, और ये दोबारा जो है 1911 तक जा सकता है। ऊपर के एरिया में जैसे मैंने बताया हुआ है कि पोजीशन अभी फ़िलहाल बाइंग की नहीं है, तो ऊपर जाके इन एरियाज़ में इसे यहाँ पर एकदम बाय मत करिएगा। अगर ये ब्रेक करता है और फिर आप यहाँ पर पोजीशन देख के यहाँ से अपना बाय लगा सकते हैं, लेकिन ये बीच में कहीं मत करिएगा, और इसके लिए SL भी बहुत ज़रूरी है। SL तो वैसे भी ज़रूरी है चाहे सेल हो या बाय हो, लेकिन अगर ये इसको प्रॉपर टेस्टेड रहा और रिजेक्ट हुआ 1906-07 से, तो फिर ये देखिएगा कि ये, क्योंकि ये एरिया ब्रेक कर चुका है, ये मतलब ऊपर क्लोज देने के बाद नीचे भी ब्रेक किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये एरिया अब, अगर ये ऊपर प्रॉपर टेस्टेड रहा और ये नीचे की तरफ इसने मूव की, तो ये एरिया मुझे नहीं लगता कि इसको एज ए सपोर्ट दे पाएगा, और ये सीधा जो है वो यहाँ तक आने के चांस होंगे। और ये भी हो सकता है कि ये अगर ये प्रॉपर टेस्टेड रहा तो ये एरिया ब्रेक भी कर सकता है। तो ये है आज के जो लेवल्स और पोजीशंस, मेरी समझ में जो मुझे आ रहा है आज वो यही है। डे का क्लोज कोई इतना स्ट्रांग नहीं है कि जिसके बेस पे हम कहें कि ये कुछ अच्छी ज़्यादा बुलिश हो जाए, 1911 से ऊपर भी निकल जाए, ऐसा नहीं लग रहा फिलहाल। यही है कि इस एरिया में ही इसकी जो है वो मोमेंट रहने के चांस हैं। सो मेरी समझ के मुताबिक जो था मैंने बता दिया, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा। हाँ, एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा कि जिस तरह मैंने बताया हुआ है कि आपने किस इस एरिया में, इन एरियाज़ में बिल्कुल अपनी बाय जो है वो ना करिएगा, और इन एरिया में फ़िलहाल सेल ना करिएगा, और बीच का एरिया तो आपको पता है कि जिस तरह ये मोमेंट बनती है उसी के हिसाब से कोई पोजीशन मिलती है तो आप कोई ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये एरिया तो वैसे भी मेरे ख्याल, मेरी नज़र में तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। तो यही है कि दुआओं में याद रखिएगा।